नमस्कार दोस्तों, मैं टेन कमल। आइए आज हम देखते हैं मैक्सिमो गाड़ी की टेम्परेचर सेंसर के बारे में आपकी जानकारी लेते हैं। ये इस टाइप का होता है टेम्परेचर सेंसर। अगर ये जब ख़राब हो जाता है तो हमारा यहाँ पर मीटर नहीं दिखाता है, ये मीटर आपका नहीं बताएगा। गाड़ी स्टार्ट होने पर मीटर ऑन होना चाहिए, मीटर बताना चाहिए। देखिए मीटर नहीं ऊपर चढ़ रहा है, ये मीटर आगे बढ़ना चाहिए। ये होता है टेम्परेचर मीटर, ये ऊपर उठना चाहिए, ये उठ नहीं रहा है जबकि गाड़ी स्टार्ट है। आइए इस टेम्परेचर सेंसर को, पुराने टेम्परेचर सेंसर को निकाल करके इसको लगाते हैं। ये पहले हमने कैपलर निकाल लिया है, टेम्परेचर सेंसर का कैपलर निकाल लिया है। ये है टेम्परेचर सेंसर पुराना वाला, इसको हम खोल के निकालेंगे। इसमें 19 नंबर का रिंच लगता है, ये हम खोलना प्रारंभ करते हैं। ये हमने पुराना वाला निकाल के टेम्परेचर सेंसर नया लगा दिया है। अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि इसमें से कोलन या पानी लीकेज ना हो, इसलिए इसको हम अच्छे तरह से टाइट कर देते हैं। रिंच या स्पैनर की मदद से इसको हम अच्छे से टाइट करते हैं। अभी पूरी तरह से टाइट हो गया है, अभी इसका कैपलर इसमें हम लगा देते हैं। यहाँ पर एक क्लिप होता है, इसको हम ऑन इस तरह से कर रहे हैं तो ये लॉक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। जब निकालना होता है तो इस तरह से को प्रेस करके तब बाहर निकालते हैं। ये इस तरह से ये लॉक हो जाता है। ये पुराना वाला टेम्परेचर सेंसर है जो कि ख़राब हो गया था, इसलिए हमने इसको निकाल लिया है। आइए अब देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। मैंने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया है, टेम्परेचर सेंसर देखिए काम करने लगा। ये सेंसर ऊपर की तरफ उठ रहा है, पहले क्या था कि सेंसर उठ नहीं रहा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपके पास कौन सी गाड़ी है कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।